लगातार नियुक्तियों का जो दौर है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट में लेकर के आ रहे हैं, जिसके बाद कई सारे अभ्यर्थी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है। टाउन प्लानर की जो नियुक्ति इस वक्त रुकी हुई है ये भी कोर्ट में जा करके मामला फंसा हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, क्या कुछ मामला है और मुख्यमंत्री से क्या मांग लेकर के आए हैं? मामला ये है कि जेपीएससी ने हमारा अनुशंसा कर दिया था और कुल 17 लोग हैं जो कि सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला। तो यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी से कि कुल जो 17 लोग हैं जिन्होंने सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया है उन्हें क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका कुछ इश्यूज़ है और मुद्दा अदालत में है, लेकिन हाँ, हम लोगों पे ना कोई केस है ना कोई हमारा मुद्दा है, हम लोगों ने सारा क्राइटेरिया पूरा कर रखा है। तो बस हमें ये जानना है कि हाँ, सारा क्राइटेरिया पूरा करने के बावजूद भी हमें क्यों ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, हम क्यों 1-1.5 साल से फंसे हुए इन सारी चीज़ों। कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं, वहाँ पर क्या कुछ कोर्ट में रखा गया है जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट गया था? ITPI के लिए मुद्दा था एक्चुअली। ITPI में उसमें जब नोटिफिकेशन निकाला था तो आपका 10/8/2020 लास्ट डेट था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन लोग का जो ITPI नंबर है वो 22/8/2020 का है, इसके चलते कोर्ट में ये सब केस हुआ, इसीलिए रुका हुआ है। लेकिन हम लोग का जो है, हम लोग का सब कुछ सही है, 17 लोग का। उसमें बावजूद भी हम लोग कितने स्टूडेंट होंगे? 43 हम लोग का सिलेक्शन 43 सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 17 लोग का कोई ये मतलब ये जो लिटिगेशन है वो नहीं है, सब ओके है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अपनी जो वादे हैं उसको पूरे कर रही है, जिसके बाद सभी यहाँ पर अभ्यर्थी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुँचे कि इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है 1.5 साल से 2 साल से, तो इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निर्णय ले और इनकी जो नियुक्ति है उसको पूर्ण करे। तो इस खुशियों के सौगात में ये अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि इन्हें भी खुशियाँ मिले, तोहफा जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया जाए। अब सबकी नज़रें जो है वो 14 तारीख के कैबिनेट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, जिसके बाद ये सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।